रोज मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेटा आज सब्जी में नमक कम है। माँ जी आपको तो मेरे हाथ का कोई भी खाना अच्छा ही नहीं लगता। एक तो मर किसी खाना बनाओ, ऊपर से खाने वालों को स्वाद ही नहीं मिलता। बेटा उसने सिर्फ इतना ही कहा है कि आज सब्जी में नमक कम है, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से सपना आप दोनों को खटकने लगी है। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो जाओ अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू के पास जो आपको देखने भी नहीं आते। दरअसल मानसी और रामू के दो बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा राजीव, उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, इसीलिए वो कुछ ही दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास आते हैं। और इनका छोटा बेटा मोहन, इसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा घमंडी है। वो बार बार मोहन के कानों में उसके माँ बाप के प्रति जहर भरती रहती है कि वो किस तरह उसको टॉर्चर करते हैं, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। सपना मोहन के सामने एक संस्कारी बहू की तरह रहती है और उसके ऑफिस जाने के बाद उसका हाव भाव ही बदल जाता है। वो अपने सास ससुर से घर का सारा काम करवाती है। आज तो उसने हद ही कर दी, एक नमक के पीछे इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। बेटा तू अपने माँ बाप से इतनी ऊंची आवाज में बात करेगा? कहाँ गए वो संस्कार जो हमने तुम्हें दिए थे? मोहन कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही सपना बोलती है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मेरी कुछ दोस्त घर आ रही हैं, तुम दोनों उनके सामने मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों जाहिल गवार उनके सामने आओ। मानसी और रामू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सपना बहुत ही अमीर घर से है और उसके पापा ने मोहन को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए थे। कुछ घंटों के बाद सपना की कुछ सहेलियां आती हैं। वो सब कमरे में बैठकर बातें कर रही थी, तभी मानसी सबके लिए जूस लेकर आती है। ये लो बेटा। मेम साहब बोलो, अपनी औकात मत भूलो। मानसी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो आंख में आंसू लिए सबको जूस सर्व कर रही थी। लेकिन अचानक उसका हाथ स्लिप किया और जूस एक लड़की पर गिर गया। यू जाहिल गवार! सपना अपनी सास को एक थप्पड़ मार देती है। उसी समय रामू भी वहां आ जाता है। रामू ने सपना पर हाथ उठा दिया। बहू तुम अपनी औकात मत भूलो। सपना ये तुम्हारे सास ससुर हैं और तुमने इन पर हाथ उठा दिया। जो अपने से बड़ों की इज्जत नहीं कर सकता वो हमारी दोस्त बनने के लायक नहीं है। सब वहां से चली जाती है। ये देखकर सपना को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। जब रात में मोहन घर आता है तो सपना रोते हुए बोलती है, आप इसीलिए मुझे अकेला छोड़कर जाते हो ना? आपको पता है आज पापा जी ने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी मेरी सहेलियों के सामने। अब आप ही बताइए, आपके दोस्त के सामने अगर मेरे पापा आप पर हाथ उठाएंगे तो आपको कितना बुरा लगेगा? मैं तो परेशान हो गई हूँ यार, आप मुझे ये अत्याचार नहीं सहा जाता, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरे पापा कितनी उम्मीदों से मेरी शादी आपसे करवाए थे, अगर उन्हें पता होता कि शादी के बाद मेरे साथ ये सब होने वाला है तो वो मेरी शादी आपसे कभी नहीं करवाते। अपना सामान पैक करो, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। सपना सामान पैक करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों सामान लेकर बाहर जाते हैं। तुम कहीं जा रहे हो क्या बेटा? हाँ हम दोनों आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। और हम क्या, हमारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी शायद यही करता। आपकी किस्मत में ही बुढ़ापे में अकेले रहना लिखा है, तभी तो ना बड़ा बेटा साथ दे रहा है और ना ही छोटा बेटा। आज आपने सपना पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया पापा। क्या तुम एक बार भी जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हारी बीबी पर हाथ क्यों उठाया? नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपकी हर बातों में सिर्फ सपना की ही बुराइयां होंगी।
इतना कहकर मोहन और सपना घर से बाहर चले जाते हैं। फिर अचानक सपना कहती है, मैं एक बार मम्मी जी और पापा जी का आशीर्वाद लेकर आती हूँ, वो जैसे भी है तो मेरे सासु ससुर ना। वो इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि रामू और मानसी रो रहे हैं। अब रो या जश्न मनाओ, मैंने तुम्हारे बेटे को तुमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया है। एक बात याद रखना, सपना नाम है मेरा, सपना। दोबारा मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, जाहिल कवार। इतना कहकर सपना वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रामू और मानसी का बड़ा बेटा छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ आता है, लेकिन वो देखता है कि रामू और मानसी रो रहे हैं। क्या हुआ माँ, आप दोनों रो क्यों रहे हो, और मोहन कहाँ है? बेटा, क्या तुम भी अब हमें नीचा दिखाने आए हो? अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। नीचा? माँ आप ये क्या कह रहे हो, आप दोनों हमारे भगवान हो, और हम आपको नीचा क्यों दिखाएंगे? अब आप मुझे सही सही बताओ कि हुआ क्या है। रामू और मानसी अपने दुख भरी सारी कहानी उन्हें बताते हैं, जिसे सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। उस मोहन के बच्चे की इतनी हिम्मत, उसको तो मैं अभी बताता हूँ। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, उन्हें खुश रहने दो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे। और रही हमारी बात, तो भगवान हमारी जिंदगी में कितने दिन लिखे हैं हमें खुद ही नहीं मालूम। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप दोनों अपना सामान पैक करो और आप हमारे साथ शहर चल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। मंजू, माँ और पापा का सामान पैक करो। राजीव रामू और मानसी को लेकर शहर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन, बेटा हम चाहते हैं अपना कोई नया धंधा शुरू करना। ठीक है पिताजी, ऐसी बात है तो कुछ महीने मंजू आप दोनों को हिसाब करना सिखा देगी, उसके बाद मैं आपका नया बिजनेस शुरू करवा दूंगा। मंजू अपने सास ससुर को हिसाब करना सिखाती है। कुछ ही महीने बाद वो दोनों हिसाब करना सीख जाते हैं। राजीव उनके लिए अंडे सप्लाई का बिजनेस शुरू करवा देता है, जिससे कुछ ही महीने में उसे बहुत फायदा होता है। और ऐसे ही रामू ने काफी सारे बिजनेस भी शुरू कर लिए। कुछ ही साल में वो करोड़पति बन गया। इधर मोहन ने अपने सारे पैसे एक कंपनी में लगा दिए थे, लेकिन वो कंपनी फ्रॉड निकली और उसका सारा पैसा डूब गया और वो दोनों सड़क पर आ गए। सपना के पापा ब्लैक मनी सप्लाई का काम करते थे, इसीलिए उन्हें जेल हो गई। मोहन और सपना दो वक्त की रोटी के लिए न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। मैं सोच रही थी वापस मम्मी पापा के पास चलते हैं, हम उनके पैरों में गिर जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, एक दिन वो भी हमें माफ कर ही देंगे। मोहन मान जाता है, क्योंकि उसे मम्मी पापा की कमी बहुत महसूस हो रही थी। इतने सालों के बाद आज उसने मम्मी पापा की असली कीमत पहचानी थी। लेकिन उसी दिन राजीव, मंजू, रामू और मानसी सभी लोग वहां से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मोहन और सपना न्यूज़पेपर बेचते दिखाई दिए। उन्हें अपने सामने देखकर मोहन रो पड़ा और उनके पैरों में गिर गया। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन कहते हैं ना, जब बच्चे गलती करते हैं तो मम्मी पापा उन्हें माफ कर देते हैं। अपने बेटे को एक और बार माफ कर दीजिए। माँ, पिताजी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, क्या आप अपनी छोटी बेटी को माफ कर सकते हैं? दोनों शांत खड़े थे, क्योंकि वो उन दोनों से बहुत नाराज थे।
माँ, पिताजी, आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पता है इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन माफ कर दीजिए। अब हम सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। सानिया को हर कोई नोरा फतेह के नाम से जानता था। सानिया खुद भी नोरा फतेह की बहुत बड़ी फैन है। आज सानिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज वो और उसकी आइडियल नोरा फतेह दोनों एक साथ डांस परफॉर्मेंस करने वाली है। सानिया जब कॉलेज में पढ़ती थी उस समय नोरा का सॉन्ग दिल भर निकला था। सानिया को ये गाना इतना पसंद आया कि वो कॉलेज के प्रोग्राम में इस गाने में जमकर डांस किया, लेकिन वहाँ बोल्ड सॉन्ग पर डांस करना अलाउ नहीं था, इसलिए उसे फाइन भी भरना पड़ा। सानिया पढ़ाई खत्म करके वापस घर आ गई। एक दिन वो अपने रूम में तेज आवाज में गाने सुन रही थी। ओहो, ये क्या कर रही हो? इतने तेज आवाज में कौन गाना सुनता है? और ये क्या गाना है? साकिरे साकिरे। मम्मी, साकिरे साकिरे नहीं, साकिरे साकी साकी। हाँ, जो भी हो वॉल्यूम कम करो। सानिया ने वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन वो नोरा के गाने में जमकर ठुमके लगा रही थी। उसी समय उसकी दादी आ जाती है। वाह 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 वाह, यहाँ तो ठुमके लग रहे हैं। रीमा, देख लेना, एक दिन तेरी बेटी हम सभी के नाक कटवा के रहेगी। दादी, आपकी नाक तो पहले से कटी हुई है, देखो देखो, नजर आ रही है क्या कहीं? उसी समय वहाँ पर सानिया की माँ रीमा आ जाती है। सानिया, तू क्यों अपनी दादी से ऐसे बात करती है? माँ, दादी को कोई काम तो है नहीं, डांस मेरा पैशन है और मैं इस पैशन को आगे लेके जाऊंगी। इसके लिए मुझे कितने भी ऑडिशन देने पड़े मैं दूंगी। इसके बाद सानिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तभी उसकी दादी बोलती है। हाय रतैया, रीमा तेरी बेटी के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? इतने छोटे कपड़े पहनकर कोई बाहर जाता है क्या? दादी, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मुझे नोरा की तरह डांस करने को बुलाए हैं। हाय हाय, अब ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर कमर हिलाएगी। शिव शिव। सानिया वहाँ से चली जाती है। बर्थडे पार्टी में नोरा का सॉन्ग चल रहा था। सानिया को कंट्रोल नहीं हुआ और वो डांस करने के लिए चली गई। सानिया ने चौंकर ठुमके लगाए, जिसे देखकर कुछ लड़के भी उसके पास आ गए और वो भी सानिया के साथ डांस करने लगे। ये सभी चीजें वहाँ पर खड़े कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। रात में सब एंजॉय किए और सानिया वापस घर आ गई। अगले दिन सुबह डोरबेल बजती है। रीमा, देखो तो कौन आया है। जी माँ, देखती हूँ। रीमा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक आदमी जो कि सूट बूट पहनकर खड़ा था। जी, आप कौन? नमस्ते, मेरा नाम विकी है, मैं प्रोड्यूसर हूँ। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए ना। रीमा उन्हें अंदर लेकर आती है। उसी समय सानिया भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। जी दरअसल बात ये है कि कल जिस बर्थडे पार्टी में सानिया डांस कर रही थी, मैं भी वहीं पर था। मुझे सानिया का डांस बहुत पसंद आया। अगले मंडे को नोरा फतेह का स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि सानिया और नोरा का एक साथ डांस हो। सानिया ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली वो नोरा फतेह के साथ डांस करेगी। इतना बोलकर विकी वहाँ से चला जाता है। सानिया का खुशी के तो मानो ठिकाना ही नहीं था। सानिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वो दिन भी आ गया जो सानिया का नोरा फतेह के साथ डांस परफॉर्मेंस होने वाला था। सानिया तैयार होकर लोकेशन पर पहुँच गई जहाँ पर उसका डांस होने वाला था। वो चेंजिंग रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। उसी समय बहुत शोर होने लगता है। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? नोरा फतेह आई है तो शोर तो हो गई ना। सानिया ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। नोरा फतेह बाहर आ चुकी थी।
थोड़ी देर बाद नोरा चेंजिंग रूम में भी आ जाती है। सानिया उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो सच में बहुत सुंदर थी। मैम, प्रोड्यूसर सर ने आपको बताया होगा कि इनका डांस परफॉर्मेंस आपके साथ होने वाला है। ओ या, नाइस टू मीट यू। थोड़ी देर बाद नोरा और सानिया का डांस होता है। लोगों का शोर बता रहा था कि उन्हें इनका डांस कितना पसंद आ रहा है। डांस खत्म होने के बाद, मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं हमेशा से आपकी तरह डांस करना चाहती थी, आप मुझे कुछ टिप्स दीजिए जिससे मैं आपकी तरह डांस कर सकूं। नोरा सानिया को कुछ टिप्स देती है जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दादी सानिया से बोलती है, सानिया तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। बेटा देख, तेरी उम्र हो गई है। अच्छा ठीक है, अगर लड़का तुझे पसंद आया तो ही तेरी शादी होगी, वरना तेरी शादी नहीं होगी। अब तो खुश? सानिया मान जाती है। कुछ दिन बाद लड़के वाले सानिया को देखने आते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। सानिया उन्हें एक नजर में पसंद आ जाती है। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है। ससुराल में सानिया और राहुल का रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। इसमें जोर जोर से नोरा फतेह का सॉन्ग चल रहा था, जिसे सुनकर सानिया को कंट्रोल नहीं हुआ और वो पहुंच गई डांस करने के लिए। उसने जमकर ठुमके लगाए, जिसे देखकर सब कोई चौंक गए। राहुल, अपनी बीबी को रोक, वरना आज गई हमारी इज्जत। राहुल सानिया को रोकता है और अंदर रूम में ले जाता है। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पता है कि तुम नोरा फतेह की बहुत बड़ी फैन हो और उसके साथ तुमने डांस भी किया है, लेकिन तुम हर जगह ऐसे डांस नहीं कर सकती हो, और अब तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि तुम हमारे घर की इज्जत हो। राहुल जी ठीक है, आप बोलते हो तो मैं डांस नहीं करूँगी, लेकिन मैं खुद की डांस क्लासेस खोलना चाहती हूँ, क्या आप मेरी उसमें मदद करोगे? ठीक है, लेकिन एक शर्त में, तुम दोबारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगी जिससे हमारा सिर नीचा हो। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों का सिर नीचे हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल डांसिंग क्लासेस खोलने के लिए कोई जगह ढूंढने जा रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे रोकती है। इतनी सुबह सुबह बेटा कहाँ जा रहे हो? माँ, मैंने सानिया से वादा किया है कि मैं उसकी डांसिंग क्लासेस खोलने में उसकी मदद करूँगा, बस उसी के लिए जगह देखने जा रहा था। डांसिंग क्लासेस, बस सही देखना तो बच गया था। घर की नई नवेली बहू अब ठुमके लगाएंगी। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। सानिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब वो अपनी सास को सबक सिखाने के लिए हर किसी के प्रोग्राम में जाकर नोरा की तरह डांस करती है। सानिया की सास इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और एक दिन थकार कर पूछ ही लेती है, तुम चाहती क्या हो? हमारी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रही हो? माँ जी, मुझे डांस में बहुत शौक है, आप मुझे डांसिंग क्लासेस खोलने की इजाजत दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, दोबारा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी। सानिया की सास मानने को तैयार ही नहीं थी। किसी तरह सानिया और राहुल ने माँ जी को मना ही लिया। आज सानिया का खुद का डांसिंग क्लासेस है, जिसमें वो काफी सारे बच्चे को डांस सिखाती है। और आज सानिया नोरा फतेह के नाम से नहीं, अपने असली नाम सानिया द डांसर के नाम से जानी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक गांव में अर्जुन नाम का गरीब किसान था। उसके पास कोई भी खेत नहीं थे, इसी वजह से वो अपने जमींदार के खेत में खेती करता था और उसी में उसके घर का गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन की बात है, वो रात में घर जाता है, तभी उसकी बेटी रीटा उससे बोलती है, पापा मैं स्कूल कब से जाऊंगी? मेरे सभी दोस्त स्कूल जाते हैं। अर्जुन और उसकी पत्नी निर्मला दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर निर्मला रीटा से बोलती है, अरे मेरी गुड़िया, जो स्कूल में पढ़ाते मैं वही तो तुम्हें घर पे पढ़ाती हूँ। नहीं, मुझे स्कूल जाना है। इतना कहकर रीटा वहाँ से चली जाती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी इकलौती बेटी को पढ़ा सके। हम जमींदार से बात करें क्या? वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमारी कोई न कोई मदद जरूर करेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम कल ही जमींदार के पास जाएंगे।
अगले दिन अर्जुन और निर्मला जमींदार के पास जाते हैं। आओ अर्जुन आओ, कैसे आना हुआ? साहब वो मेरी बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसे पढ़ा सके, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आप हमें कुछ सुझाव दे। अर्जुन, रीटा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। तुम्हें पता है ना, जब मेरी पत्नी को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था उस समय तुम रीटा को हमारे पास छोड़ दिया करते थे ताकि मेरी पत्नी रीटा में ही अपनी बेटी की छवि देख सके। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिस खेत में तुम खेती करते हो वो मैं तुम्हें कुछ सालों के लिए दे सकता हूँ। उस खेत में जो भी फसल होती है वो तुम अपने पास रखना, और तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम दूसरा खेत खरीद सकते हो तो तुम मुझे वो खेत वापस लौटा देना। जमींदार की बात सुनकर निर्मला और अर्जुन दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन से ही उस खेत में निर्मला और अर्जुन दोनों खेती करना शुरू करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। जिस नदी से वो अपने खेत में पानी डाला करते थे वो नदी भी सूख चुका था। अर्जुन और निर्मला बहुत परेशान हो गए। अजी हम क्या करें, हमारे सारे फसल खराब हो गई, हमारे सारे पैसे डूब गए, अब हम क्या करें? निर्मला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों ना हम लौकी की फसल बोए, और मैंने सुना है कि इस साल पड़ोसी गांव में लौकी की फसल बहुत खराब हो गई। अगर हमारी फसल अच्छी होती है तो पड़ोसी गांव में जाकर अपनी लौकी बेच सकते हैं जिससे हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी आप सही बोल रहे हो, मेरे पास लौकी की कुछ बीज रखे हुए हैं, उसे हम खेत में बो देते हैं। फिर क्या था, अर्जुन खेत की जुताई करता और निर्मला बीज बोती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उन लोगों की फसलें बहुत ही अच्छी हुई थी। अर्जुन और निर्मला बहुत खुश थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन निर्मला और अर्जुन इनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। अर्जुन के बगल वाले खेत की फसल में अचानक से आग लग गई। हालांकि सभी किसान उस आग को बुझाने की बेहद कोशिश किए लेकिन शायद आग ने भी ये सोच रखा था कि उसे इनकी फसल बर्बाद ही करनी है। थोड़ी ही देर में उस खेत के आसपास जितने भी खेत थे सबकी फसल जलकर राख हो गई। सभी किसान सिर पकड़कर रोने लगे। पता नहीं हमारी खुशी को किसकी नजर लग गई। मम्मी बहुत भूख लगी है। बेटा हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है और ना ही हम किसी की मदद मांग सकते हैं, क्योंकि जिस हालात में हम हैं वो लोग भी ऐसे ही हालात में हैं। अर्जुन उदास आंखों में आंसू लेकर अपने जले हुए खेत को देख रहा था कि तभी जोर से हवा आती है और एक लौकी उस पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाती है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जिस आग ने सभी के खेतों को जलाकर राख कर दिया उसमें एक लौकी कैसे बची रह गई। अर्जुन उस लौकी को उठाकर अपने घर ले आया और निर्मला से बोला, निर्मला ये लो लौकी की सब्जी बना लो ताकि हम सब अपनी भूख मिटा सके। ये लौकी आपको किसने दी? अर्जुन ने निर्मला को सारी बात बताई। अर्जुन की बात सुनकर निर्मला को आश्चर्य हुआ क्योंकि इतनी भयंकर राग में एक लौकी का बची रहना संभव ही नहीं था। खैर निर्मला उस लौकी को काटती है सब्जी बनाने के लिए। जैसे ही उसने लौकी को बीज से काटा, उसकी बीज सोने की है यह देखकर सभी चौंक गए। ये कैसे हुआ? उस लौकी में इतने सोने के बीज थे कि वो दूसरी फसल के बीज आराम से ला सकते हैं। निर्मला और अर्जुन वापिस खेत में जा रहे हैं ये देखने के लिए कहीं और ऐसी लौकी तो नहीं जो आग से जली ना हो। लेकिन जब वो लोग खेत पहुँचे वो देखकर चौंक गए क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। उनकी लौकी ताजी लगी हुई थी। यह देखकर अर्जुन और निर्मला चौंक गए लेकिन उन्होंने कुछ लौकी तोड़ी और वापिस घर ले आए। जब उसे भी काटा तो उसमें भी सोने के बीज थे। आजी ये तो चमत्कार हो गया। आप सही सही बताइए, आप घर आने से पहले कुछ किए तो नहीं थे? जब ये लौकी लेकर मैं घर आ रहा था उस समय रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला। उसने मुझसे कहा कि मेरे घर में मेरी बीवी बच्ची भूखे हैं और मेरे पास सब्जियां खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, तो मैंने उसे ये लौकी दे दिया।
फिर जब मैं थोड़ी दूर आया लेकिन वो बूढ़ा आदमी ये लौकी मुझे वापस कर दिया। फिर उसी लौकी को मैं घर ले आया। अजय तुम पागल हो क्या? जो बूढ़ा आदमी आपसे लौकी लेने आया था दरअसल वो भगवान होंगे जो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि इतने कष्ट में भी क्या आप दूसरों की मदद करोगे। दोनों ने सारी लौकी तोड़ लिया और उन लौकी से जो भी सोने के बीज मिलते उन्हें बेच देते और जो भी पैसे मिलते उन्हें वो खेत में लगा देते। देखते ही देखते वो लोग काफी सारे खेत खरीद लिए और अपना बड़ा सा मकान बनवा लिए। एक दिन वो जमींदार के पास जाता है। आओ अर्जुन आओ बैठो, आजकल तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। नहीं साहब, मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं आपसे तो नीचे ही रहूंगा। मैं आपकी जमीन आपको लौटाने आया हूं। अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। और कहाँ है हमारी बिटिया रानी? रीटा तो स्कूल जाती है और हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हुआ साहब, आप परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? हाँ, तुम्हें तो मालूम ही है उस भयंकर आग से किसी की फसल नहीं बची थी। उसके चपेट में मेरे सभी खेत आए थे। उसके बाद मेरे सभी खेत बंजर हो गए, उसमें कोई भी फसल नहीं हो रही। मैंने सारी कोशिश कर ली लेकिन उस जमीन को उपजाऊ जमीन नहीं बना पाया। अब तो हमारे भूखे मरने के दिन आ गए हैं। अर्जुन ने जमींदार को जादुई लौकी दी और उससे कहा, जब तक आपकी जमीन सही से उपजाऊ नहीं हो पा रही है आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। नहीं नहीं अर्जुन भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब अपने घर में रखकर मुझे एहसान के नीचे मत दबाओ। इसमें एहसान वाली क्या बात है, जब हमें पैसे की जरूरत थी तो आपने बिना कुछ सोचे समझे हमें जमीन दे दी थी। आज आपको पैसे की जरूरत है तो हम बस आपकी मदद कर रहे हैं। अर्जुन जमींदार की बिल्कुल नहीं सुनता और उसकी बीवी बच्चों को अपने घर में रख लिया। जमींदार के खेतों में उसने उपजाऊ मिट्टी डलवाई और उसे लगातार काफी दिनों तक जुताई करवाई। इसके बाद वो बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन में बदल गई। ऐसे अर्जुन लोगों की मदद किया करता था। वो खुद तो बड़ा आदमी बना और बाकी सभी किसानों की भी बहुत मदद की। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।